जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल ई माई। महिलाओं के खाते में आना शुरू हुआ ₹1 मासिक तौर पर, सुनकर शौक लगा। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में प्रत्येक महीने ₹1 आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, भारत के अंदर पूरे स्टेट की महिलाओं को नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाया है, लाडली बहना योजना, जिसके तहत वहाँ की मध्य प्रदेश की प्रत्येक वुमेन को एम्पावर करने के लिए उनके अकाउंट में ट्रायल बेसिस पे ₹1 प्रत्येक महीना आ रहा है। ₹1 ही क्यों, ज्यादा आश्चर्य? जी हाँ, वो इसलिए कि ये जो योजना है उसको भी ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि कोई रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग डेटा सरकार को ना मिले या कोई फेक अकाउंट्स पे पैसे ना चले जाए। इसीलिए ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। बाद में उन्हें ₹1000 पर वुमेन के अकाउंट पे भेजा जाएगा। और हो सकता है कि भारत, मध्य प्रदेश के अलावा भारत में और राज्यों में भी ये परियोजना लागू हो जाए और भारत के प्रत्येक महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनके अकाउंट में पर मंथ ₹1000 दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस नई स्कीम लाडली बहना स्कीम के तहत प्रत्येक मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रत्येक महीने ₹1000 उनके अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या है, आप इसके लिए योग्य है या नहीं ये समझो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति उस घर का कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का प्रत्येक साल का इनकम, एनुअल इनकम ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और साथ में उसके पास कोई भी 4 व्हीकल नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए और उसे प्रत्येक महीने ₹1000 सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में। मध्य प्रदेश में टोटल वोटर्स की संख्या लगभग 5.5 करोड़ है, जिसमें से 2.5 करोड़ सिर्फ महिलाएँ हैं। सरकार महिलाओं के लिए स्पेशल योजना तैयार की है, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं इसके लिए एलिजिबल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार के इस योजना के खिलाफ अपोजिशन ने भी एक योजना का ऐलान किया है, जैसे नारी सम्मान योजना का, जिसके तहत अपोजिशन भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए ₹1500 उनके अकाउंट में दी। तो यह तो नाले पे दाला हो गया यहाँ की वुमेन के लिए। खैर, जो भी हो, या ओपोजिशन योजना लाए या सरकार लाए, दोनों अगर साथ मिलकर भी लाती है तो किसी न किसी माध्यम से महिलाओं के एम्पावर के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान के लिए इस तरीके का योजना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और इस स्कीम का हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में और साथ में और स्टेट में भी इस तरीके की स्कीम को लॉन्च किया जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं सरकार से। दोबारा मिलेंगे आपसे इस तरीके के नए अपडेट्स के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ई माइंड के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।